साथियों जय हिंद जय संविधान, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार दिवस जब मनाया गया तो मनाने के बाद साथियों सबसे पहले अगर जेंट्स के ऊपर जो लाठियां चार्ज हुई उनके जो सर फोड़े गए लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इसलिए नहीं बख्शा गया कि वो रोजगार के लिए वो लोग सड़क पे उतरे थे। आप लोग वीडियो के जरिए देख सकते हैं, फोटो के जरिए मेरे साथ में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाठी चार्ज करवाकर किस तरीके से महिलाओं की पिटाई करवाई है, आप देख सकते हैं। तो साथियों एक तरफ बात करते हैं लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब भारत की बेटियां जब पढ़ लेती हैं, पढ़ने के बाद जब उनको रोजगार नहीं मिलता है और रोजगार जब नहीं मिलता है जब वो लोग सड़कों पे उतरती हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, हमारे भारत की जो पुलिस है, हमारे भारत की जो सरकार है, उनके ऊपर लाठियां चार्ज करवाती है और उनके सर तक फड़वाती है। आप लोग देख सकते हैं साथियों, मुझे किसी चीज से वो चीज नहीं है कि मैं फेक चीज दिखा रहा हूं। आप लोग देख लीजिए, वीडियो के भी जरिए देख लीजिए, आप लोग न्यूज में भी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे और आप लोग ऐसे भी देख लीजिए, मेरे पास पुख्ता साबूत है इस चीज का कि लाठी उनके ऊपर कैसे चार्ज हुई है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला का बाल उखाड़ते हुए जेंट्स पुलिस वाले जो कि उसके बाल को खींच रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं साथियों, भारत की बेटियां पढ़ रही हैं, भारत के वो नौजवान पढ़ रहे हैं जो ये सोचे थे कि मैं पढ़ लिख लूंगा, भाजपा की सरकार आ गई है 2 करोड़ नौकरी देगी साल के अंदर। लेकिन आपको बता दूं 2 करोड़ की बात छोड़िए, 2-3 साल 4 साल 5 साल 6 साल हो गए लेकिन 2 करोड़ नौकरी अभी तक नहीं मिली। साथियों जब नौकरी नहीं मिलती है उसके बाद भारत के जो नौजवान है सड़कों पे उतरते हैं, कोरोना के नाम पे देश की सरकार थाली बजाती है, लेकिन जब देश के नौजवान जब अपने हक के लिए और अपने लिए रोजगार के लिए जब थाली बजाते हैं तो हमारे देश की जो प्रशासन है वो उनके ऊपर लाठी बजाती है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि कब तक होगा हमारी भारत की बेटियों का अत्याचार और कब मिलेगा बेरोजगार, ये भारत के हर किसी नौजवान का कहना है। तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।